गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तेज धूप हो रही है। आज मैंने गैलरी साफ करी है, तो साफ साफ लग रहा है। और ये मैंने नए पौधे जोड़ दिए मैंने, और बना बना के। तो मेरा ये, हाँ मुझे कई लोग कहते हैं कि ये क्यों रखा है, ये सिर्फ सुखाने के लिए होता है कुछ ना कुछ, जैसे कभी दाल सुखा दो, कभी कुछ सुखा दो। ये टेबल ना गैलरी में है, इसमें हम खाना नहीं खाते, तो ये गैलरी में ये जस्ट सुखाने के लिए है चीज़ें, क्योंकि नीचे नहीं रखती ना, ऊपर सही हो जाता है। चार पांच प्लेट लगा दो, अच्छी धूप आती है यहाँ पर, जैसे मैं आज के लिए सुखा रही हूँ, तो यहाँ सुबह उठ के अच्छी धूप आ जाती है, इसीलिए ये टेबल बाहर रखा है। और खासकर मेरे ना गमले रहते हैं नीचे, ऊपर बहुत, इस गैलरी में बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, जिससे पौधे जल जाते हैं। देखो ये ना खराब हो रहा था, मैंने वहाँ रखा था, वहाँ मिट्टी दिख रही है ना, तो यहाँ धूप तेज लग रही है, तो इसके नीचे ना इनको छांव भी रहती है और ये स्टेबल भी रहते हैं थोड़े फिर, इसी के लिए मैंने यहाँ रखा है इसको, बाकी कोई पर्पस नहीं है इसका। तो मैं बना रही हूँ फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का, मतलब गाजनी का। ये गाजनी और मुल्तानी मिट्टी एक ही होती है क्या, आपको पता है? ये मेरी मुल्तानी मिट्टी हो गई है, हम इसे ऐसे ऐसे दबा के थोड़ा चूर चूर कर देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़े से डालेंगे शहद। जैसे मेरी ड्राई स्किन है ना, तो शहद जरूरी है, मेरी ड्राई स्किन है तो ये मुल्तानी मिट्टी और ड्राई कर देती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं शहद डालूंगी। जिसकी ड्राई स्किन नहीं है, ऑयली स्किन है, वो दही डाल सकता है, और पानी और रोज़ वाटर में भी कर सकते हैं। और डालेंगे ये चंदन जस्ट चुटकी भर, इतना सा डाल रही हूँ मैं चंदन। ये अब मैं डालूंगी इसमें फ्रिज का ठंडा दूध, हल्का सा को घोलने के लिए। तो ये ज़्यादा बन गया था, तो मैं दूसरे कंटेनर में ले लिया, बाकी फ्रिज में स्टोर कर दिया। तो आज मैं कर रही हूँ स्किन केयर रूटीन अपना, रूटीन तो क्या, जब मन किया मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ये पेस्ट बनाया है, और मुझे बहुत गर्मी लगती है ना, इसलिए मैं गर्मियों में ये बनाती हूँ। मैं यहाँ ये पेस्ट लगा रही हूँ, और नेक को करना ना भूलें, नेक भी इतनी टैन हो जा रही है आजकल, क्या बताऊँ। आप भी लगा लो, गर्मी में बहुत ठंडक देगा ये। आप ना इस बचे हुए पेस्ट को स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, ये 1 वीक तो चलेगा। और मुझे ये अभी 20 मिनट रखना है, 20 मिनट, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बोलना नहीं है ना, मेरे लिप्स को भी लग रहा है, चलो कोई नहीं। तो मैं नहा के आ गई, और फेस इतना अच्छा लग रहा है ना, सॉफ्ट भी लग रहा है, और ना स्वेटिंग जैसे होती है, पसीना नहीं निकल रहा, बढ़िया लग रहा है। तो आप भी ट्राई करो ये फेस पैक, बहुत ही अच्छा है, जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए। अभी मैं नहा के आई हूँ, जैसे ये देखो बाल भी गीले हैं, बाल सुखा के बात करती हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोनू शर्मा विश चैनल। कैसे हो आप सब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ।
तो आज मैं न्यू व्लॉग लेके आ गई हूँ। आज मैं सोच रही हूँ रैंडम व्लॉग बनाऊँ, जैसे कि कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता आज मैं क्या कंटेंट बनाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगी आपको। बट कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है मैं, जो जो होगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और हाँ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, आपको कूलर दिख ही रहा होगा ना पीछे। अब कूलर लग गए हैं, कूलर ओपन हो गए हैं, एसी वेसी सब चल पड़े हैं। तो दो दिन से तो ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, बहुत, मतलब जैसे बहुत ही गर्म गर्म हो रहा है, गर्म हवा चल रही है, बाहर जाने का ज़रा भी मन नहीं हो रहा है। इसलिए तो मैं सोचती कि क्या आप कैसे बाहर जाऊँ, वीडियो कैसे बनाऊँ। बनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का व्लॉग होगा रैंडम। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या करूँगी मैं आज पूरा दिन। मैं बना रही हूँ रायता। मैंने दही में, मैं दही का रायता बनाती हूँ। दही में बूंदी डाल दी और ये घर की सरसों नहीं, राई, साबुत राई जो घर से बुआ जी ने भेजी थी। ये हो गया। तो कभी रायता बनाओ ना राई वाला, तो राई के साथ मिर्च जरूर डालो, फिर वो और तीखी चढ़ती है, मतलब बहुत जल्दी चढ़ जाती है और तीखी चढ़ती है। तो मैं बना रही हूँ आज पालक पराठे। अब मैं सोचा रोज रोज क्या दिखाती रही हूँ आपको, लेकिन सोचा आज हेल्दी वे में जाती हूँ तो पालक के पराठे बनाएं। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप बता देना मुझे, मैं बना दूँगी। और इधर बन रही है चाय, मैंने रायता बना दिया है। हमारी गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया और हमें जाना था सामान लेने। अब हम खड़े हैं यहाँ पे, करवाते हैं इसका कुछ। तो अभी ये हमने टायर निकाला और रेंसिंग बेस्ट इतनी मेहनत करते हुए दूसरा वाला काम कैसे तुम चेंज कर रहे हैं, तुम घुमा रही थी इसको। तो देखो रैंडम ब्लॉग में रैंडम रैंडम के चक्कर में क्या हो गया। अभी हम जा रहे थे ग्रोसरी सामान लेने और गाड़ी का टायर देखा तो पंचर, और हम बेसमेंट में थे और वहीं रह गए। थैंक गॉड हमने देख लिया। कहाँ जा रहे थे हम? वो बिल्कुल बैठा हुआ था टायर। उसके बाद वीरेन जी ने सोचा मैं टायर चेंज ही कर लेता हूँ, तो मैं साथ में उनका साथ देने के लिए रह गई। वहाँ टॉर्च वॉर्च लगानी पड़ती है ना, बेसमेंट में ज्यादा लाइट नहीं है। मेरे लाल परी को पता नहीं क्या हो गया, ये किसी ने पंचर किया होगा क्या लगभग, हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे लाल परी किसको कहते हैं। मैं अपनी गाड़ी को रेड कलर की है ना, तो इसे पहले से मैं लाल परी, मैदान खड़ी ऐसे करके कहती हूँ। लाल परी बचा रही। तो ये रहा हमारा टायर जिसने हमें धोखा दे दिया और जिसमें क्या क्या घुस गई है, कील, कील है, पत्थर है, तो कील है, पंचर ही से हुआ। अरे हाँ, इसमें कील घुसने की वजह से ये पंचर हो गया। थैंक गॉड हमने जाने से पहले चेक कर लिया। हेल्प करूँ क्या? वीरेन जी बहुत मेहनत कर रहे थे बेचारे, कितने पसीने निकल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। जिसको टायर पंचर की सर्विस लेनी हो वो ले सकता है। अब तो मैंने भी सीख लिया लगभग, बस इसमें जो जान लगेगी ना वो नहीं कर पाएगी लेडीज, बाकी तो समझ ही जाएगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये हैवी जो उठाना लेडीजों के लिए टफ हो जाता होगा। ओह
पसीने की बूंदे छूटते हुए वीरेंद्र सिंह बेस्ट की। और ये मैदान पे भारी मेहनत करते हुए बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए जोर लगा के हईशा बीवियों अपने पति का पूरा साथ दे, ये नहीं कि पंचर होने का टाइम तुम घर पे चले जाओ। पूरा साथ दे जैसे कि मैं दे रही हूँ, तो मैं पूरा साथ देती हूँ अपने पति परमेश्वर का। नहीं तो मैं घर जा सकती थी, तो सोचा क्या करेंगे अकेले। बीवियों से कहना चाहती हूँ कि पूरा साथ दे, पूरा पंचर बैठ के देखे। क्या बैठ गया ना, फ्लैट सरफेस पे आ गया ना। ये ना ये देखो, मेरे को ही करना पड़ेगा भैया। बाद हम मंदिर के कहीं नहीं गए, और ये पोस्टर लगा था धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बहुत पॉपुलर है आप तो जानते होंगे। फिर हम मंदिर गए, गार्डन ना मंदिर का ही है जिसमें जाना अलाउड नहीं है, और यहाँ से जाने के लिए यहीं पे एक छोटा सा गेट लगा है। तो इसमें हर चीज़ के पौधे हैं, केले, बेल पत्तर, हल्दी, वट वृक्ष, हर चीज़ के जो पूजने वाले हैं। देखो ये कैसी आइसक्रीम है, जैसे टंग खा रहे हो किसी की। मुझे ये बहुत पसंद है, कुल्फी केसर वाली। तो ही एवरीवन, वीडियो को कहती हूँ मैं यहीं एंड। अब हम आ गए हैं सोने, तो रात के 11 बज रहे हैं, और आपको कूलर की आवाज़ सुन ही रही होगी, कूलर चल रहा है और गर्मी हो गई है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को ऐसे ही प्यार दे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरे न्यू अपडेट्स आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। और मिलते हैं नए व्लॉग में नए तरीके से। बाय, गुड नाइट।